नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 इतिहास भाग 42 में जिसकी परीक्षा जो है जून में होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है इसमें, निम्न में से कौन निम्न पुरापाषाण काल का विशिष्ट उपकरण है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्त कुठार, यानी ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर दो, वैदिक काल में हुए 10 राजाओं के युद्ध निम्न में से कौन विजयी हुए थे? ऑप्शन दिया है मत्स्य, पुरु, अनु, भरत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार नंबर, भरत। क्वेश्चन नंबर तीन, कथन और कारण से गौतम बुद्ध आत्मा की अस्थाई सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, कारण है वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सप्तांग का भाग नहीं है? ऑप्शन दिया है कोष, स्वामीन, दुर्ग, रत्निन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार नंबर, इसमें रत्निन। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा है, अशोक के अभिलेखों की दक्षिणी सीमा कर्नाटक तक थी, ये सही है इसमें। कलिंग युद्ध अशोक के आठवें शासनकाल वर्ष में हुआ था, ये भी सही है इसमें। अशोक के अभिलेख राजा की भोजनशाला में पशुवध पर प्रतिबंधित का हवाला देते हैं, ये भी सही है। अशोक के अभिलेख धर्म प्रचार में महेंद्र वर्मन, महेंद्र और संगमित्रा का योगदान का उल्लेख करते हैं, तो ये जो है चार नंबर इसमें सही नहीं है, यानी इसका आंसर चार नंबर होगा, इसमें नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर छः, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें पूछा है, तो पुष्कलावती चरसड्डा, ये तो सही सुमेलित है। साकल सियालकोट, ये भी सही सुमेलित है। तक्षशिला सिरकप, ये भी सही है। महोदया महोबा, ये गलत है, यानी आंसर इसका चार नंबर होगा, महोदया का जो है कन्नौज होगा, यहाँ पर महोबा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सात, सातवाहन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहन काल के बारे में देखिए, दिया गया है इसमें गाथा सप्तशती ने रचयिता हाल थे, ये सही है। क्षरात्र वंश के विनाशक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, ये भी सही है इसमें। सातवाहन साम्राज्य में आहार सम्मिलित थे, ये भी सही है। सातवाहनों की सभा में सोमदेव गुणाद का विरोधी था, ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर। क्वेश्चन नंबर आठ, पल्लव वंश का कुडुमियामले अभिलेख किस विषय से संबंधित है? देखिए, वास्तुशिल्प, संगीत, सिंचाई, राजनीति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत से। क्वेश्चन नंबर नौ, एहोल स्थित दुर्गा मंदिर की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्तायत। क्वेश्चन नंबर दस, एक तरफ लेखक सुमेलित करने के लिए दिया गया, एक तरफ लेखक का नाम है और दूसरे तरफ पुस्तक का नाम, तो ए एल बासम की पुस्तक क्या नाम है? द वंडर दैट वाज इंडिया। डी डी कौशाम्बी की पुस्तक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। के पी जायसवाल पुस्तक का क्या नाम है?
हिंदू पॉलिटी, आरजी भंडारकर अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्कन, इस प्रकार ये सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उपधा शब्द का सही आशय कौन सा है? उपधा, ऑप्शन इसमें दिया है मंदिर को दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, व्यवसाय पर कर और सत्यनिष्ठा की जांच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनिष्ठा की जांच, यानी चार नंबर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पन संस्कृति के दक्षिणी विस्तार को इंगित करता है? ऑप्शन दिया है देसलपुर, दहमदाबाद, रोजडी, लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो नंबर, दहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुषाण देवकुल के अवशेष मिलते हैं जहां राज परिवार के सदस्यों की मूर्तियां रखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन नंबर, माठ। क्वेश्चन नंबर 14, द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किन स्थलों को बाजार केंद्रों के रूप में दर्शाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, पैठन, तेर, कल्याण, सोपारा, यानी उपयुक्त सभी इसमें होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख करता है? कौन सा अभिलेख है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का एरण अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 16, चोल राजेंद्र प्रथम के शासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा है, तो देखिए इसमें दिया है उसने बेगी के चालकों के साथ वैवाहिक संबंध को पुनर्स्थापित किया है, तो सही है। उसने जो है कडारम में अपनी सेना भेजी थी, ये भी सही है। इसके बाद उसने फिर पिता द्वारा नागपट्टनम बौद्ध बिहार को दिए जाना अनुदान फिर से जारी किया था, ये भी सही है। यानी इसमें तीन नंबर गलत है, यानी आंसर इसका तीन नंबर होगा, कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, खजुराहो के निम्न में से कौन से मंदिर पूरी तरह से बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट से बने हैं और नीचे दिए कूट का प्रयोग करें? तो इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर और ब्रह्मा मंदिर, ए और बी, ए और बी तीन नंबर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वैष्णव भक्ति ने बंगाल में किस स्थानीय साहित्यिक विधा की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, मंगल काव्य, यानी तीन नंबर इसका सही होगा, मंगल काव्य। क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित करना है इसमें, एक तरफ स्रोत है एक तरफ लेखक, सियारुल औलिया के लेखक कौन है? सैयद मोहम्मद। जामी उत तवारीख के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रसुद्दीन फजुल्लाह। फतवाए जहांगीरी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। मतल उल अनवार के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें भी जो है एक तरफ स्रोत दिया है एक तरफ लेखक का नाम, तो तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो शमसे सिराज अफीफ। फुतू उस सलातीन इसके लेखक कौन है? इसके आंसर हो जाएगा इसमें इसामी, यहाँ पर नहीं पूछा कौन, सुमेलित नहीं है, ये जो है इसका इसामी लिखे, यानी दो नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है हस्त बिहस्त अमीर खुसरो के सही है, रेला इब्न बतूता की सही है, यानी फुतू सलातीन सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका लेखक का नाम था इसामी और यहाँ पर दिया है रसुद्दीन फजुल्ला, ये सुमेलित है, इसका आंसर दो नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पैर से चलाने वाले करघे यानी ट्रेडल्स का वर्णन पहली बार कब मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 1468 से
69 में, यानी 4 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 1442 से 43 में मांडू में अस्पताल बनवाया था और यह निर्देश दिया था कि वहां इस्लामी ब्राह्मणी दोनों तरह के चिकित्सकों की सिफारिश के मुताबिक दवाएं मंगाई जाए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुल्तान महमूद खलजी, यानी 2 नंबर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, तिब्बत के हिमालयी घास के मैदानों में पाए जाने वाले पहाड़ी घोड़ों की प्रजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें दिया गया है घोड़ों की पहाड़ी प्रजाति को कोही कहा जाता था, ये सही है। घोड़ों की इस पहाड़ी प्रजाति को तंगन के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। मध्यकाल में इन पहाड़ी घोड़ों की प्रचुर आपूर्ति थी, खासकर बंगाल संतनत में, ये भी सही है। इसमें जो है सही कुट होगा ए बी सी, यानी 4 नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नेमतुल्लाह लिखता है सुल्तान इसके बाद एक नाव में एक स्थल देखने के लिए गया, रास्ते का आनंद उठाता शिकार करता, जब वह उस स्थल पर पहुंचा तो बसावट के हिसाब से उसकी ऊंचाई पसंद आई, सुल्तान ने कहा इस शहर का नाम आगरा रखा जाए, तो निम्नलिखित में से वह सुल्तान कौन था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सिलहदार किसको कहा जाता था, सिलहदार किसको कहा जाता था, तो हथियार बंद एक प्रकार के सैनिक थे। वजहदार किसको कहा जाता था, वेतन भोगी कर्मचारी थे। वफ किसे कहा जाता था, वफ ये धार्मिक अनुदान से संबंधित थे। पाइक किसे कहता था, पैदल सैनिक को। इस प्रकार ये सम्मिलित है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।